इसी साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले की घटना में कथित भूमिका के चलते गिरफ्तार किए गए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने दिल्ली कोर्ट को बताया है कि झंडा फहराना कोई अपराध नहीं है। हालांकि इसके साथ ही सिद्धू ने कहा कि उन्होंने लाल किले से फेसबुक लाइव करके गलती की है। पुलिस के अनुसार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सनी देओल के साथ प्रचार करने वाले सिद्धू को ट्रैक्टर रैली और लाल किला पर हिंसा के दौरान भीड़ को भड़काते हुए पाया गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने विवादित कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। एक अखबार के अनुसार सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कोर्ट से कहा, मैंने न तो झंडा फहराया था और न ही किसी को झंडा फहराने के लिए कहा था। झंडा फहराना कोई अपराध नहीं है। इस मामले को लेकर विवाद है और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैंने गलती की है, लेकिन हर गलती अपराध नहीं होता। मैंने फेसबुक लाइव करके गलती की है और इसके लिए मुझे देशद्रोही कहा गया। गुप्ता ने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि सिद्धू को इस मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी बना दिया गया है। गुप्ता ने न्यायालय से कहा कि मैं किसी हिंसा में शामिल नहीं था। मैं हिंसा शुरू होने से पहले निकल गया था। जांच एजेंसी के साथ दो वीडियो साझा किए गए जहां मैं भीड़ को शांत करा रहा हूं। मैं 2003 से 2015 के दौरान वकील रहा हूं। मैं एक प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेता हूं और 6 फिल्मों में अभिनय किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट लंबित हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। मेरे खिलाफ सिर्फ ये आरोप हैं कि मैंने फेसबुक लाइव करके नारे लगाए थे। ये नारे गुरुद्वारा में लगाए जाने वाले नारे थे जिसे सिख समुदाय लगाता है। ये धार्मिक नारे हैं, ये कैसे लोगों को भड़का सकते हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है जिन्होंने लाल किले पर निशान साहिब झंडा फहराने के लिए उकसाया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि सिद्धू को आईपीसी के तहत कई अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दंगा 147 और 148, गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा होना 149, हत्या के प्रयास 120B, आपराधिक साजिश 120B, लोक सेवक पर हमला 152, डकैती 395 इत्यादि धाराएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।